हाय स्टूडेंट्स, चलिए सिविक्स में चौथा स्टेप चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग लॉज। व्हाट आर लॉज? कानून क्या होता है? कानून वो होता है जो हमारी जीवन को आसान बनाता है, हमें सही बात बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और कब क्या होना चाहिए, और अगर कि कोई व्यक्ति गलत काम करे तो उसे सजा मिलनी चाहिए। इन सब को स्पेसिफाई करता है कानून। कानून के द्वारा जो है एक पर्सन ये हो कई चीजें जो है वो साफ करता है कि एक समझदार व्यक्ति को समाज में किस प्रकार से रहना चाहिए। जैसे कि हम वोट कब डाल सकते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने के लिए क्या कानून होना चाहिए, ये सब चीज कई सारी ऐसी चीजें हैं जो सिग्निफाई करता है लॉज। Do laws apply to all? क्या कानून सब पर लागू होता है? Yes. Law is applicable on all person. कोई भी व्यक्ति कानून से परे नहीं होता, चाहे वो भारत का राष्ट्रपति ही क्यों ना हो और एक छोटा से छोटा मामूली आम इंसान ही क्यों ना हो, कानून सब पर लागू होता है। अगर कोई व्यक्ति मर्डर करता है तो अगर कोई बहुत ही मामूली से इंसान मर्डर करता है तो उसको भी उतनी ही सजा होगी, और अगर कोई भारत का राष्ट्रपति या कोई बहुत ही ऊंची पोस्ट पर रहने वाला व्यक्ति अगर कोई गलत काम करता है तो उसको भी उतनी ही सजा होगी। सो आई वॉन्ट टू से दैट लॉ इज एप्लीकेबल ऑन ऑल पर्सन और ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। अब कानून बनाता कौन है? कानून बनाया जाता है भारत के रिस्पेक्टेड पार्लियामेंट के द्वारा। वहां पे कानून बनाए जाते हैं। पुराने जमाने से, जब तक भारत पर अंग्रेजों का राज था, उस जमाने से ही अलग अलग प्रकार के कानून बनते आ रहे हैं, लेकिन उस समय भारत के लोगों को उतनी अधिकार नहीं दिया गया था जितने कि अंग्रेज लोगों को दिया गया था। इसलिए समय समय पर हमारे महान क्रांतिकारियों और राष्ट्रवादियों ने आंदोलन किए, जिसके द्वारा जो है हमें कई प्रकार की छूट वगैरह प्राप्त हुई। उसी में से एक एक्ट था 1870 का सीडिशन एक्ट, जिसके द्वारा किसी भी भारतीय व्यक्ति को अगर वो अंग्रेजों के विरुद्ध कोई काम करता है या कोई प्रेस वगैरह में कुछ छापता है तो बगैर किसी ट्रायल के, बगैर कोर्ट की कार्यवाही के उसको सजा दी जा सकती थी, जिसके विरुद्ध हमारे भारतीय क्रांतिकारियों ने आवाज उठाई और अंत में इस एक्ट को बदलना पड़ा। हाउ डू लॉज कम अबाउट? The Parliament has a significant role in making laws. There are several ways through which this is achieved, and it is usually communities in society which feels and asks for a particular law. An essential role of Parliament is to listen to the problem that citizens are facing. In the following story, the issue of domestic violence was brought to the notice of Parliament, and the mentioned adopted for this problems explained in the story, which resulted in making of a new law. ये जो कहानी नीचे दी हुई है इसमें ये बताया गया है कि पार्लियामेंट के द्वारा कानून कैसे बनता है। समय समय पर हम सब जानते हैं कि हमारे क्षेत्र से अलग अलग उम्मीदवार खड़े होते हैं जिनको कि हम वोट दे करके जिताते हैं। वो जीते हुए व्यक्ति पार्लियामेंट में जाते हैं और हमारे क्षेत्र की आवाज को पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट तक पहुंचाते हैं, और जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमारी पार्लियामेंट जो है समय समय पर अलग अलग कानून बनाती है, जिसमें से एक है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जिसमें कि घरेलू हिंसा के विरुद्ध जो है कानून बनाया गया था, जहां पर घर में औरतों वगैरह के ऊपर अत्याचार किया जाता है उसके निरोध के लिए, उसके रोकथाम के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है बनाया गया है। अब ये सब आता है कि आखिर सरकार को पता कैसे चलता है कि जनता के पास क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो इसके लिए हमारे जो आजकल की मीडिया है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाती है कि जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचा सके। जैसे कि आपने सुशांत सिंह राजपूत केस में देखा होगा अभी जो हाल ही में घटित हुआ है, जिसमें कि मुंबई पुलिस वगैरह के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसमें कि मीडिया ने काफी जोरदार तरीके से इस चीज को अपोज किया और नई तरीके से सीबीआई जांच वगैरह शुरू हुई। तो ये आपने के समक्ष आया होगा, अभी हाल ही की घटना है। तो ये समझ में आता है कि जनता का बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है किसी भी कानून को बनने में और गलत कानून को हटाने में।
अब कई सारे ऐसे इनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज, कई समय पर ऐसा होता है कि पार्लियामेंट के द्वारा कुछ ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो कि विवादित होते हैं या गलत होते हैं उस मौजूदा परिस्थिति के अनुसार। तो जनता को की एक्टिवनेस जो होती है मीडिया के द्वारा, अखबार के द्वारा, पत्र पत्रिकाओं के द्वारा, यह बातें सरकार तक पहुंचती है और सरकार को ये पता चलता है कि संबंधित जो कानून उन्होंने बनाया था वो सही नहीं है और सरकार को बाध्य होना पड़ता है अपने उस कानून को बदलने के लिए। जैसे कि म्यूनिसपैलिटी जो है वो सड़क के किनारे जो वेंडर्स होते हैं जो फल सब्जी वगैरह यानी चीजें बेचते हैं उनको हटा देते हैं क्योंकि सड़क को चौड़ी करना होता है, लेकिन इस बात के लिए उनको ये भी ध्यान में रखना होता है कि जो वेंडर्स होते हैं वो सड़क आम आदमी के लिए सस्ता सामान उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा जो गरीब आदमी है जो कि अपनी रोजी रोटी उस ठेले से या छोटी दुकानों के द्वारा चला रहा है तो उसके हितों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अगर सरकार म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा सड़क का चौड़ीकरण करवाती है तो साथ ही में उसको जो वेंडर्स वगैरह हैं उनके लिए भी एक उचित स्थान खोजना पड़ेगा। दे हैव टू फाइंड द ट्रू राइट पाथ फॉर द वेंडर्स हु आर सेलिंग देयर ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्ट्रीट और पेवमेंट्स। सो देयर आर सो मेनी कॉन्ट्रोवर्शियल लॉज एंड डिफरेंट टाइम्स वॉइस आर रेज अगेंस्ट दीज कंट्रोवर्शियल लॉज। अलग अलग कैंपेन्स के द्वारा, रैलीज के द्वारा, सिग्नेचर हस्ताक्षर अभियान के द्वारा जो है इन कंट्रोवर्शियल लॉज के विरुद्ध जो है आवाज उठाई जाती है और सरकार तक बात पहुंचती है और सरकार उन विवादित कानून को बदलने का प्रयास करती है। तो हमने इस चैप्टर को पढ़ा, आप प्लीज इस चैप्टर को रीड कीजिएगा और आई होप यू एंजॉयड दिस चैप्टर। प्लीज रीड थॉरली, एंजॉय योर हॉलीडेज, बाय।